नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इजी चिकन रेसिपी फॉर डिनर, जिसे मैं बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल कर बनाऊंगी, लेकिन ये देखने और खाने में बहुत ही लाजवाब लगेगा। इस रेसिपी को बैचलर चिकन भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसे बनाने में मिक्सर ग्राइंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इसे बनाने में कोई तामझाम है। आप ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और कैसी बनी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। ड्राई मसाला चिकन बनाने के लिए मैं सबसे पहले 3 मीडियम साइज के प्याज को बारीक बारीक कट कर लेती हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन को धोकर ले लिया है। सबसे पहले मैं एक बड़े बर्तन में लगभग 250 ml तेल डालकर गरम कर लेती हूँ। जब तेल गरम हो जाएगा तब मैं इसमें डालूंगी कुछ खड़े गरम मसाले। खड़े मसाले में मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, 2 लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 स्टार फूल, 1 चम्मच जीरा, 2 हरी इलायची और 1/2 इंच दालचीनी। इन सबको डालकर तेल में अच्छे से चटका लेंगे। जब मसाले चटक गए थे तो मैंने इसमें डाल दिया था बारीक कट किए हुए प्याज। प्याज डालने के बाद आप इसे मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएं जब तक कि प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब तक ये भुन रहा है तब तक हम लोग मसाला तैयार कर लेते हैं। लगभग 100 ग्राम दही में अब कुछ सूखे मसाले डालकर इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। सूखे मसाले में मैंने लिया है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कलर के लिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चिकन मसाला और 1 चम्मच गरम मसाला। इन सभी मसालों को डालने के बाद मैं इसे दही में अच्छे से मिला लेती हूँ। मसाले डालने की वजह से दही फटता नहीं है और ग्रेवी का टेक्सचर मेंटेन रहता है। यदि आप दही को डायरेक्ट चिकन में डाल देंगे तो दही फट जाएगा और ग्रेवी दानेदार दिखने लगेगा। देखिए मसाले अच्छे से दही में मिल गए हैं। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डालकर इसे भी भून लेती हूँ, ताकि इसमें से कच्चापन निकल जाए। प्याज अदरक लहसुन अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ तैयार किया हुआ मसाले वाला दही। कटोरी में थोड़ा सा पानी डालकर मैं बचे हुए मसालों को भी इसमें डाल लेती हूँ। मसाले डालने के बाद इसे कंटिन्यू लो फ्लेम पर चलाते रहें जब तक कि दही से तेल रिलीज ना होने लगे। तो देखिए 5 मिनट में ही ग्रेवी कितनी खूबसूरत नजर आने लगी है और दही से तेल भी रिलीज हो गया है। अब इस टाइम पर मैं इसमें डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद इसे लो फ्लेम पर थोड़ी देर चलाते हुए पकाएं। जब मसाला अच्छे से भुन गया था और इसमें से तेल रिलीज होने लगा था तब मैंने इसमें डाल दिया था चिकन। चिकन डालने के बाद इसे चलाते हुए मसालों के साथ अच्छे से मिला लें। अब इसे ढककर लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। इसे पकते हुए 15 मिनट हो गया है, चिकन से पानी रिलीज हो गया है। इसे मैं रगड़कर चला लेती हूँ ताकि जो मसाले नीचे चिपके हों वो निकल जाएं। चलाने के बाद एक बार फिर से इसे ढककर लो फ्लेम पर 15 मिनट पकने के लिए छोड़ दें। यदि जरूरत पड़े तो आप इसे बीच में 1 से 2 बार चला लें ताकि मसाला नीचे से चिपके नहीं। तो देखिए बिल्कुल आसान तरीके से लाजवाब चिकन बनकर तैयार है। इस रेसिपी को फॉलो करके आप भी बहुत आसान तरीके से चिकन घर में बना सकते हैं। आप इसे बनाकर रोटी या नान के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।